अस्सलामुअलैकुम। एनालिटिक रीजनिंग जो हम एनटीएस और गैट वगैरह के पेपर में आता है, हम वो कर रहे थे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है देखिए 7 पीपल है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये बैठे हैं सर्कल में। 5 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, 5 जो सेंटर में फेस कर रहे हैं, मतलब एक राउंड टेबल है, सेंटर में फेस कर रहे हैं, और जो 2 है वो सेंटर से ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है फेसिंग द सेंटर, उसके बाद देखें सी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डी। तो सबसे पहले हम एक राउंड टेबल बना लेते हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखें 1 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको इधर बना लेता हूं मैं। अच्छा, अब देखें सबसे पहले क्या कहता है, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जो डी है उसके लेफ्ट में सी बैठा हुआ है। तो देखिए अगर मैं यहां पे डी बनाऊं तो इसके थर्ड लेफ्ट में डी बैठा, लेफ्ट क्या होगा देखें, अगर ये सेंटर में फेस कर रहा है तो ये राइट और ये लेफ्ट, तो देखिए 1 2 3 थर्ड में क्या बैठा हुआ है, सी, और ये भी कहां पे फेस कर रहा है, सेंटर में। आगे देखें बोथ आर फेसिंग द सेंटर, आगे कहता है इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ डी नॉर सी, कहता है आप इधर इधर नहीं ई लिख सकते और इधर इधर नहीं ई लिख सकते, क्योंकि इधर ई लिखूंगा तो ये इसका नेबर बन जाएगा, इधर ई लिखूंगा इसका नेबर, इधर ई लिखूंगा इसका नेबर, इधर ई लिखूंगा इसका नेबर। तो देखिए एक ही स्पॉट रहेगी, वो क्या होगी, ई, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, ई। अब देखिए क्या कहते हैं, द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ, जो डी और एफ के मिडल में है, इज फेसिंग ऑपोजिट टू सेंटर। देखिए अगर मैं इधर डी और इधर एफ लिखूंगा तो मिडल रह जाएगा, इधर डी इधर एफ नहीं लिख सकता क्योंकि मिडल है ही नहीं, तो इधर मैं क्या लिखूं, एफ। तो देखें क्या कहता है, जो डी और एफ के मिडल में है ना वो ऑपोजिट बैठा हुआ है, तो देखें इस फेसिंग ऑपोजिट टू सेंटर। आगे कहता है देखें जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, अब देखें क्या कहता है, कहता है जो जी है ना वो क्या बैठा हुआ है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट में बैठा हुआ है जी। तो देखें अगर मैं इधर ए लिखूं तो ए का राइट क्या बन रहा है, इस साइड पे। तो देखें अगर ए जो मेरा ऑपोजिट देख रहा है, तो देखें ऑपोजिट इधर देख रहा है ना, तो ए का लेफ्ट होगा इधर तो राइट होगा इधर। तो देखें 1 2 थर्ड राइट में क्या बैठा हुआ है, जी, या तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं जी के थर्ड राइट में ए है, तो देखें इसका लेफ्ट ये राइट ये, तो देखें 1 2 इसमें क्या बैठा हुआ है, ए। तो लास्ट हमारा रह गया बी, तो वो क्या है, बी। अब कहता है देखें बी का जो नेबर है ना वो ऑपोजिट सेंटर में देख रहा है, मतलब ये अंदर नहीं देख रहा, यहाँ कहाँ देख रहा होगा, बाहर। तो देखें अब हमें क्या पता लगा कि ये सारे सेंटर में देख रहे हैं और ये दोनों अवे देख रहे हैं। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें हमें क्या, उसमें हमें एक पूछा होगा कि कौन से 2 ऐसे पेयर हैं जो सेंटर में नहीं देख रहे, और भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो हम देख लेते हैं। तो असल इसकी ये लॉजिक बनाना होता है, आगे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा, इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन सा पेयर है पर्सन का जो ऑपोजिट देख रहा है, तो मैं नजर आ रहा है ए और ई, तो इसमें पहले ही क्या होगा, ए और ई, बाकी सारे नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए कहता है हु इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, ए देखिए इधर है, तो इधर अगर आप बैठे हो तो इधर देखिए ये राइट है ये लेफ्ट है, तो इसका सेकंड लेफ्ट, तो देखिए यहाँ पे 1 2 तो क्या बैठा हुआ है, बी, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो आपने इस तरह से बस ध्यान रखना है कि लेफ्ट और राइट कौन सा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से पूछता है, कहता है हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट, देखें ई इधर देख रहा है, तो अगर आप इस साइड पे देख रहे हैं तो ये लेफ्ट है, तो इसका क्या हो जाएगा, जी, तो इसका सेकंड ठीक ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एफ की पोजीशन बतानी है बी के लिहाज से, तो देखें बी के लिहाज से एफ किधर बैठा हुआ है, फर्स्ट देखते हैं 4 टू द लेफ्ट, देखें बी आगे देख रहा है, तो आगे देख रहा है तो ये मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट, देखिए 1 2 3 4 तो सी आ रहा है, तो पहला गलत हो गया। कहता है सेकंड टू द राइट, राइट में देखें ये लेफ्ट ये राइट, तो 1 2 ये भी नहीं है, थर्ड टू राइट 1 2 3 ये भी नहीं है, सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट का सेकंड, लेकिन लेफ्ट का 1 2 तो ए ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका बी के रिस्पेक्ट से ये इधर नहीं बैठा हुआ। अब कहता है इफ ऑल पर्सन आर आस्क्ड टू सिट इन क्लॉकवाइज, मतलब इसको क्लॉकवाइज में बिठाना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ, अभी तो हमने क्या बताना है कि हमारा कितनी पोजिशन अनचेंज रहेंगी, तो उसके बाद हमने क्या किया, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन ए, हमने कहाँ से शुरू करना है, ए से, और ए को हमने एक्सक्लूड कर देना है। तो देखें ए इधर था तो मैं ए इधर ही लिख लूँ, ए के बाद इधर क्या आना चाहिए, क्लॉकवाइज ऐसे घूमना ना, तो एफ की जगह क्या आ जाएगा, बी, ए बी, फिर देखें सी, फिर जी की जगह डी, फिर देखें ई की जगह ई,
फिर F, A, B, C, D, E, F और G. तो देखिए क्या क्या अनचेंज रहा मेरे पास, इधर भी C, इधर भी C, इधर भी E, इधर भी E. तो कितनी पोजीशन मेरे पास अनचेंज रही, 2. A को A से मैंने देखा और मेरी कितनी पोजीशन चेंज हुई, 2. तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली ओनली कौन कौन सी चेंज हुई है, C और E चेंज हुई है एक्सेप्ट A. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 2. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में.